सैफ के हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ वाले बयान पर सिंघम को क्यों आया गुस्सा? क्या तानाजी को किसी भी पॉलिटिकल टॉपिक का अजेंड नहीं बनाना चाहते हैं हिस्सा? सुनो सुनो सुनो, मिस दिनचक की जुबानी, हिट फिल्म देने के बाद अजय और सैफ के बीच खड़ी हुई पंगेबाजी की दीवार की ये कहानी। एज यू नो, अजय देवगन और सैफ अली खान की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर लगातार बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। महज दो हफ्ते में ही फिल्म ने 200 करोड़ की कमाई की है। फिल्म में अजय और सैफ के अलावा काजोल भी अहम रोल में नजर आई है। कम वक्त की प्रेजेंस में भी सिंघम की वाइफ ने जमकर तारीफे पाई है। लेकिन 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 फिल्म के प्रोड्यूसर और एक्टर ने सैफ को साफ शब्दों में एक बात समझाई है, तानाजी द अनसंग वॉरियर के खिलाफ कुछ भी ना कहने की सलाह तक दी है। शॉकिंग है लेकिन सच है। एक्चुअली फिल्म की सक्सेस के बाद छोटे नवाब एक इंटरव्यू में पहुंचे थे, जहां सैफ मियां ने तानाजी द अनसंग वॉरियर की हिस्ट्री पर सवाल खड़े कर दिए थे। For some reason, I didn't take a stand. Maybe next time I would. I was very excited to play the role because it's a delicious role. But when people say this is history, I don't think this is history. I am quite aware of what the history was. I don't think there was a concept of India till perhaps the British gave it one. I don't think there is really any constructive point in arguing about loudly, provided you yourself know why you are doing it. हालांकि सैफ के इस बयान के बाद कंगना ने भी उन पर तंज कसा था और भारत के इतिहास का छोटे नवाब को पाठ पढ़ाया था। लेकिन किंतु परंतु, कंगना के बाद अब फिल्म के प्रोड्यूसर और हीरो तानाजी मालुसरे ने भी आवाज उठाई है और फोन मिलाकर पोलाइटली छोटे नवाब को अपनी बात समझाई है। गॉसिप क्वीन के तेज तरार सोर्सेस की माने तो अजय देवगन ने सैफ के बयान के बाद उन्हें कॉल की और काफी देर तक उनके दिए बयान पर डिस्कशन भी की। अकॉर्डिंग टू मिस्टर, अजय को लगता है कि सैफ के स्टेटमेंट फिल्म को पॉलिटिकल इश्यूज का हिस्सा बना सकते हैं और इस इनिशियल स्टेज पर सिंघम अपनी फिल्म को किसी भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते हैं, जिसके चलते मिस्टर देवगन सैफ अली खान को शांति से समझा रहे हैं। वेल, सैफ की बयानबाजी के बाद सिंघम का पारा काफी हाई है, इसलिए अजय ने छोटे नवाब को अपनी पूरी बात समझाई है।